छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, यही उसका सुन्नत तरीका। इसके अलावा कोई तरीका नहीं अंदर की। अब हमारे पास रंगारंग दाढ़ियां होती, सबसे पहले जो है फ्रेंच कट, लॉक्स पूरे साफ और गोल स्टाइलिश बनी हुई, यहां से मूछे इससे मिली हुई और गोल, और बाकी बस वो एकदम, ये क्या है फ्रेंच, इस पर इसका कोई सवाब नहीं, इसलिए कि सुन्नत नहीं है, ये फ्रेंच लोगों का मामला है। मन तशाबा भी कौमिन फहुमिन, कुछ लोग अजीब रखे हुए मूछे हैं बीच में कटने वाले, फ्रेंच हो जाएंगे ना, मिल जाएंगे तो ये कट और फिर यहाँ गोल ऐसा, हालांकि लॉक्स आते हैं लेकिन इसको साफ कर रहे, क्यों, हम फलां की इतवा में है ना, वो कौम ऐसी दाढ़ी रखती, वहां के बादशाह वहां के लोग, यहाँ थोड़ा सा और यहाँ मूछे मोटी मोटी, उनका तरीका है, ये भी सुन्नत नहीं, इसका भी कोई अजर सवाब नहीं। हाँ, वो अगर नेकोकार है तो ठीक, वरना मन तशाबी कौमिन फहुमिन। दूसरा तरीका जो है दाढ़ियों का वो ये है कि खशखशी दाढ़ी, वन डे टू डे थ्री डे की जैसे रहती है, जीरो मशीन वन मशीन वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर, मतलब जैसा पाँच छः सात दिन की दाढ़ी रखी और उसको डेली साफ किया जा रहा, ये भी सुन्नत नहीं। जब दाढ़ी रखी ली माशाल्लाह, तब छोड़ दो ना उसको, नहीं सात दिन में इतनी बड़ी, चौदह दिन में इतनी बड़ी, इक्कीस दिन में इतनी बड़ी, चार पाँच छः सात, नहीं नहीं मैं तो यहाँ तक आ जाऊँ पैरों तक, छोड़ दीजिए, वो आके ठिठर जाती है एक जगह, बढ़ती नहीं। पंद्रह साल, ये पंद्रह साल की, अभी भी ये बाकी इधर की 15 ईयर्स, लेकिन वो रोज के हिसाब से अंदाजा लगाए तो, रोज के हिसाब से, अरे सात दिन तो वो तो अच्छा लगेंगे, अरे पंद्रह साल बड़े तो पैरों में लेडी लोग पकड़ के लेके चल रहे, इसकी एक नेचुरल ग्रोथ है और आके रुक जाती है, नेचुरल आके रुक जाती है, रुक तो बढ़ती नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, खशखशी सुन्नत नहीं, सुन्नत नहीं। जब आपने रख ही लिया आप तो माशाल्लाह बढ़ा दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना उसको, क्या बाकी है, ठीक। तो खशखशी वाला है हमारे पास एक फैशन। इसी तरह एक और है जो है कान से लेकर एक पतला डिजाइन चलता, कान से सर के बदले गले का हेयरबैंड, तो यहाँ पतला एकदम ऐसी पतली, इधर से पूरी खत्म, इधर से पूरी खत्म, और ऐसे यहाँ से यहाँ मिलेगा, ऐसा लगता है वो सर पे हेलमेट है और उसका बैंड सुनना तो ये दाढ़ी, इसका भी कोई जरूर सवाल, ठीक है। ये फैशन हम पर चलता है। इसी तरह जो है कुछ लोगों की दाढ़ी बालों की लकीर जैसी बस रहती है, मतलब दाढ़ी है कुछ नाम को, बालों की एक लकीर बना दी इधर से इधर तक, ये भी सुनने से साबित दाढ़ी नहीं है। इसी तरह कुछ लोग जो है दाढ़ी रखते हैं और वो तराश खराश के मुगलिया दाढ़ी, दाढ़ी तो बड़ी है माशाल्लाह, लेकिन इधर से पूरा साफ एग्जैक्ट, ये पूरा छिलावा, फिर इधर का पूरा साफ, इधर से पूरा साफ, मुगलिया दाढ़ी ऐसा बीच में आती हो, लंबी भी रहती हो, मुगल बादशाहों को देखिए आप, ये पूरे साफ, ये साफ, मुगलिया दाढ़ी, ये भी सुन्नत नहीं, इसका भी अजर नहीं। दाढ़ी गालों से, ये गाल की हड्डी से आने वाले बाल से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते दाढ़ी, और ये साफ कर रहे हैं, क्या सवाब नहीं ना, फिर फायदा नहीं ना, दाढ़ी हो तो वो फिर सुन्नत वाली, तो ये अजर है उसका, छोड़ दो, माफ कर दो। अब मुगलिया दाढ़ी है, इसका सवाब मुगलिया वाला मिलेगा, सुन्नत का तो नहीं है इसका अजर, ये किसी कौम के तरीके। वैसे तो बहुत से बैंड्स और फैशन और सेलिब्रिटीज और हीरो भी दाढ़ियाँ रखते हैं, तो उनके उसमें उसका भी अजर नहीं है ना फिर। तो मुगलिया दाढ़ी इधर इतना एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा बना हुआ, यहाँ के साफ करके से यहाँ गोल दो बने हुए, यहाँ पूरा कट कर, तो बीच में बिल्कुल झालर जैसी दाढ़ी रहती, नहीं भाई ये भी सुन्नत दाढ़ी नहीं, ठीक है, ये मुगलिया दाढ़ी है, ये भी हमारे पास बड़ा फैशन चलता है। इसी तरह जो है थोड़ी पे सिर्फ चंद बाल, यहाँ या फिर यहाँ, ठीक, आमिर खान वाली दाढ़ी क्या नाम दूसरा, अरे भाई दाढ़ी नहीं आती एक अलग बात है, आपको सब कुछ आ रही, फिर भी आप यहाँ यहाँ रखे और पूरा चल रहे, इसका भी अजर नहीं याद रखिए। इस तरह कुछ लोग दाढ़ी तो है उसको गीट बांध देते, गिरा बांध देते और बहुत लंबी है, उसको यूं करके अंदर कुछ, तो भी दाढ़ी को छोटा करना और खासतौर से छुपाना ये दुरुस्त नहीं है याद रखिए। छोटा करना खासतौर से छुपाना दुरुस्त, जैसा कुछ कौमें करती है ना, कुछ चीज़ें लगा लगा के छोटा कर देती, गांठे बांध देती, ये सुन्नत नहीं, उसको आपको गांठ वाट नहीं लगाना है, उसको आपको हमको छोड़ देना है। तो बस ये चंद बातें थी, मैंने कोशिश